भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट के आज इस भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर शुभारंभ पर नए सत्र के लिए मैं सब आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट जो मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा से 35 साल पहले एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और शिक्षक का के साथ साथ शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए शुरू किया। आज देश के अलग अलग राज्यों के अंदर इस संस्थान ने अपने शिक्षण प्रशिक्षण से भारत में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। मुझे खुशी है कि इसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी देश के लिए समर्पित योगदान दे रहा है। देश की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां और चिकित्सा जैसे पुनीत कार्य में समर्पित सेवा से राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहा है। आप जैसे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी इस संस्थान से निकलकर जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के अंदर और भारत के अलावा विश्व के कई देशों के अंदर अपनी आईआईटी के मेडिकल शिक्षा के अंदर वहां पर योगदान दे रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और विश्व में भारत का नाम रोशन भी कर रहे हैं। आज हमें गर्व है हमारे नौजवान साथियों पर, जिनकी बौद्धिक क्षमता, सामर्थ्य, ऊर्जा और अपने समग्र लक्ष्य के प्राप्ति के लिए वो लगातार आत्मविश्वास से बढ़ रहे हैं। और आज भारत दुनिया के अंदर इन्हीं सामर्थ्य, इन्हीं नौजवानों के कारण आज नेतृत्व कर रहा है। आप जब संस्थान से निकलेंगे, आप भी इसी तरीके से मानवता की सेवा का पुण्य काम करेंगे। आप गांव के जाएंगे, शहर में जाएंगे, दुनिया के अन्य देशों में जाएंगे और वहां चिकित्सा जैसा पुनीत कार्य कर लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम करेंगे। और इसी तरीके से हमारे आईआईटी का स्टूडेंट आने वाले समय में अपने सूचना प्रौद्योगिक, नए इनोवेशन, नए रिसर्च के साथ भारत का नाम रोशन करेगा। आज हमें गर्व है कि भारत का नौजवान अपने इनोवेशन, रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी अगर कोई आईआईटीएन है तो भारत का है, इस संस्थान से निकलने वाला विद्यार्थी है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप एक समर्पित लक्ष्य से एक नए भारत के निर्माण में अपने माता पिता की आशाओं और आकांक्षाओं को तो पूरी करें सही, लेकिन उसके साथ साथ देश की आकांक्षा और आकांक्षा को भी पूरी करें। मुझे आशा है आपने जो कैरियर चुना है उस कैरियर के अंदर आप अपने लक्ष्य से काम करेंगे लेकिन कभी तनाव में नहीं आएंगे। भारत वो धरती है जहाँ आध्यात्मिक की धरती है, भारत संस्कृति की धरती है। हम भौतिक युग में जीने वाले लोग नहीं,
हम आध्यात्मिक और संस्कृति युग में जीने वाले लोग हैं, इसलिए तनाव मुक्त होकर हमें अध्ययन प्रशिक्षण शिक्षण करना है और तनाव हमारी जिंदगी में नहीं आए इस लक्ष्य को बनकर काम करना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एलएन इंस्टीट्यूट के हमारे परिवार के सदस्य गोविंद माहेशी जी, राजेश माहेशी जी, नवीन माहेशी जी, ब्रिजेश माहेशी जी और पूरे इस टीम को आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों को इस दिल्ली के अंदर जिन्होंने नया अध्याय शुरू कराया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद।